नमस्कार दोस्तों। दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी हमारे ऑफिशियली वर्क ऐसी जगह आ जाते हैं जहां तो ना हमारे पास कंप्यूटर होता है और ना ही लैपटॉप। दोस्तों ऐसा ही एक वर्क है जैसे कि पीपीटी फाइल में एडिट करना। दोस्तों ऐसा होता है कि कभी कभी हमारे ऑफिशियली वर्क ऑफिस से संबंधित कोई पीपीटी फाइल हमारे पास आ जाती है और वो ऐसे स्थान पे आती है ना तो हमारे पास कोई कंप्यूटर है ना ही लैपटॉप, तो हम उस पीपीटी फाइल को एडिट कैसे कर रहे हैं। तो आज का वीडियो हम आपको बताएंगे मोबाइल के अंदर हम अपनी पीपीटी फाइल को एडिट कैसे करते हैं। यदि दोस्तों आपके पास इस तरह का काम आ जाता है तो आप किस तरह आप अपने मोबाइल से पीपीटी फाइल को एडिट करके आप किसी को सेंड कर सकते हैं और अपना काम आसानी से मोबाइल के अंदर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें क्योंकि एक स्टेप भी अगर आपसे ड्रॉप हो जाती है तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो सिंपल सा आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में अंदर एक ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। ऐप का नाम है, आप प्ले स्टोर पर जाएंगे एंड यहाँ पर आप एक ऐप को यहाँ पर सर्च करेंगे BPS ऑफिस। यहाँ पर नेट ओपन कर लेते हैं, यह नेट अभी ऑन नहीं है। एंटरटाइम, तो दोस्तों ये ऐप आपके पास आ जाएगा BPS ऑफिस, काफ़ी अच्छा ऐप है। इसके अंदर आपको वर्ड एक्सेल इन पे भी एडिटिंग करने की फैसिलिटी मिल जाएगी। ये ऐप काफ़ी शानदार है, इसके रिव्यू एंड डाउनलोडर 100 मिलियन है। और दोस्तों आपकी जो फाइलें नहीं खुलती तो ये PDF, वर्ड एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस जैसी फाइल को ओपन करने में भी हेल्प करता है। तो सिंपल सा आप इसको डाउनलोड कर लें, ठीक है, एंड यहाँ पर ओपन कर लें एंड ये आपको एप्पल और दोनों के लिए आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको नेट बंद कर देता हूँ, नहीं तो ऐड काफ़ी आते जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इंटरफेस इसका इस प्रकार से आएगा एंड इसको हम कर देते अभी बंद एंड यहाँ पर आइकन पर क्लिक करके खोलते। तो ये ऐप आपके पास इस तरह से आएगा BPS ऑफिस। सिंपल सा आपको इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आपके इस ऐप का इंटरफेस होता है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, आपको अपनी पीपीटी फाइल को ओपन करना है इसके अंदर आपने यहाँ पर एडिट करने के लिए। ठीक है, तो जिस PDF फाइल को एडिट करना चाह रहे हैं, अगर व्हाट्सअप पे है तो आप डायरेक्ट व्हाट्सअप से ओपन कर सकते हैं या फिर आप सिंपल सा यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के लिए आपके पास सामने रिसेंट फाइलें दिख रही हैं, आपको यहाँ दिख जाएंगी या फिर प्लस के आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप कर सकते हो। और सिंपल सा आपको मैं बता दूँ तो ओपन पर आपको क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद पूछ रहा है आपसे आपके डिस ड्राइव में है, BPS क्लाउड में है, रिसाइकल बिन है, इसके आपकी फाइल किधर है। व्हाट्सअप पे भी, तो व्हाट्सअप का भी आइकन दिख रहा है। अगर व्हाट्सअप पे भी है तो व्हाट्सअप की सारी फाइलें यहाँ पे भी शो हो जाएंगी। तो दोस्तों मैं आपको सिंपल से बता दूँ, इतने आप प्रॉब्लम न जाएँ, आप PPT पे क्लिक करेंगे, PPT से रिलेटेड जो आपकी फाइल होंगी वो इसके अंदर शो होने लगेंगी एंड यहाँ पर फाइल यहाँ पर आपको ओपन कर लेना है। तो आपकी जितनी फाइल है आपके मोबाइल में सारी ओपन हो जाएंगी अगर आपने डाउनलोड की है, कहीं मेल पे आई या व्हाट्सअप पे आई या फेसबुक के थ्रू आई है। ठीक है, तो यहाँ पर बस सैंपल PPT है तो हम इसको ओपन करते हैं एडिट करने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने इंटरफेस इस तरह से आ जाएगा फाइल ओपन करने का। और सिंपल सा हमें जिस एरिया को एडिट करना है उसको हम क्लिक करेंगे। तो जहाँ पर सैंपल पावर पॉइंट है तो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, तो सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एरो आ गया एंड बैक स्पेस जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे PPT फाइल, ठीक है, एंड कंप्यूटर
रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है एंड यहाँ पर अगर आपका यहाँ पर सॉरी फॉन्ट आपको चेंज करना है एंड वो भी कर सकते हैं एंड फॉन्ट का साइज करना है तो आपको सिंपल से पूरे एरिया को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो इस तरह से आ जाएगा। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, मोबाइल से काफ़ी प्रॉब्लम आएगी लेकिन मैं इसको अपन करते हैं फिर भी एंड बैक फिर ट्राई करते हैं। ठीक है, ग्रिड लाइन है वो, अब यहाँ पर फॉन्ट हम चेंज कर देते हैं सिलेक्ट ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर आप जाएंगे, आपको राइट दिख रहा है, तो यहाँ पर आप फॉन्ट का साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हो, आपको 32 रखना है, आपको 36 रखना है, वो आप पर डिपेंड करता है आपको कैसा रखना है। एंड यहाँ फॉन्ट का आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, आपको फॉन्ट कैसा रखना है, तो आपके सामने इस तरह से फॉन्ट आ जाएंगे। तो आपको जो भी पसंद है आप अपनी पसंद का यहाँ पर फॉन्ट को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको देख लीजिए आपको कैसा रखना है। एंड बैक जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स भी कर सकते हैं, टेक्स्ट का जो कलर है आप कलर चेंज कर सकते हैं, देखिए ये कलर आ गया। ठीक है, एंड यहाँ पर बॉर्डर कलर भी कर सकते हैं, आपको बॉर्डर कलर करना है। ठीक है, एंड यहाँ पर आप इसको बैक भी कर सकते हैं। ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, तो मैं अपन अनफिल कर देता हूँ ये बॉर्डर भी। ठीक है, एंड दोस्तों एंड इस फिर से क्लिक करते हैं, आपके पास बोल्ड का है, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, है ना। नीचे आएंगे तो टेक्स्ट में आप कलर देना चाह रहे हैं पर्टिकुलर, तो वो भी आप दे सकते हो। ठीक है, देखिए आपको कौन सा कलर रखना है आप रख सकते हो, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है भाई। यहाँ पर आपको कंट्रोल करके काम वर्क करना है मोबाइल के अंदर, क्योंकि एक आपका कर्सर भी दराएगा तो आपको इधर उधर डिस्टर्ब करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये आपके टेक्स्ट एडिटिंग से, फिर आप सिंपल सा यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर फिर आपके पास और भी फंक्शन आएंगे, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स फाइल एंड यहाँ इंसर्ट। तो दोस्तों यदि आपको कोई पिक्चर्स एडिट करनी है तो यहाँ पे आप पिक्चर्स यहाँ से ऐड कर सकते हैं इंसर्ट में आकर, तो यहाँ पिक्चर्स का लिखा है, कैमरे से आप शूट करना चाहें या स्कैन करना चाहें तो आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो स्कैन करके यहाँ से कैमरे से आप कर सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पर दोस्तों बैक जाते हैं, एंड यहाँ पर दोस्तों एंड यहाँ पर फिर से हमें ओपन करना होगा इंसर्ट में, आपके अगर मोबाइल में डिवाइसेस में तो मोबाइल डिवाइसेस से आप कर सकते हो, आपको पिक्चर्स आपको कौन सी रखनी है ना। तो इस तरह से भी आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम इसको साइज को सही कर सकते हैं ना। तो ये मैं आपको केवल उसके लिए टेस्टिंग के लिए एडिट करने के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको रख सकते हो एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। एंड यहाँ पे आप जब तक डन नहीं करेंगे तो ये पिक्चर ठीक से सेट नहीं होगी, तो यहाँ डन कर देंगे या पिक्चर सेट हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर और आपको फिर से आप एडिट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, एडिट पर क्लिक करने के बाद एंड यहाँ पर और आप वर्क कर सकते हैं इसके अंदर, एंड फिर से आप इसके अंदर जाएंगे एंड पिक्चर्स के बाद यहाँ से डिलीट आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। एंड यहाँ पर इंसर्ट, ठीक है, तो यहाँ पिक्चर्स हमने ली थी, यहाँ पर आप टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स में ये अगर टेक्स्ट बॉक्स आपको एंड यहाँ पर ये टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स का कलर आप चेंज कर सकते हैं और कुछ भी इसमें लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप कलर कोई अच्छा सा दे सकते हैं। ठीक है, सॉरी, एंड यहाँ पर
कलर ही है आपके पास तो इससे दिखने लगे, ठीक है। ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ठीक है, जो आपको लगे हैं आप कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये आप कहीं से भी रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से हम इसी के अंदर जाते हैं, एंड हमारा इंसर्ट था इंसर्ट के अंदर। तो टेक्स्ट बॉक्स लेना है, अगर आपको सेप की ज़रूरत है दोस्तों तो आप सेप भी ले सकते हो। तो यहाँ आपको काफ़ी सेप मिल जाएंगे थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद। किस तरह की सेप चाहिए आपको, इस तरह की चाहिए तो इस तरह की मिल जाएगी। एंड यहाँ पर आप इसको ठीक से भी सही भी कर सकते हो, एंड कलर दे सकते हो सेप के अंदर, बैग जाएंगे एंड यहाँ से आपको कलर मिल जाएंगे, है ना। तो आप कर सकते हो यहाँ से शेप के अंदर कोई भी शेप एडजस्ट कर सकते हो। आपको रेक्टेंगल लेना है, सर्कल लेना है, एरो लेना है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना है, ठीक है। एंड दोस्तों यहाँ से आप नॉट ले सकते हो, प्लस स्लाइड को भी प्लस कर सकते हो। चलिए हम इंसर्ट में, और क्या है हमारे पास इंसर्ट पढ़ने के लिए। एंड टेबल दोस्तों, आपको टेबल बनानी है, वो भी आप एडिट कर सकते हो। टेबल पर आप क्लिक करेंगे तो आपको टेबल आपको कितनी चाहिए वो भी आप ले सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर ये टेबल भी बन जाएगी एंड ऊपर रखेंगे, इस टेबल पे आप टाइप भी कर सकते हो, देखिए, है ना। देखिए ये टेबल भी मैंने ऊपर बना दी, तो आप टेबल भी एडिट कर सकते हो दोस्तों। ये क्या है, मैं आपको फंक्शन है टूल बता रहा हूँ, जिससे आप कोई भी अगर कोई टूल फंक्शन आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको आसानी से एडिट कर सकें। तो यहाँ पर आप टेबल ले सकते हो, एंड यहाँ पर इंसर्ट में जाके आप टेबल का यूज़ कर सकते हो, चार्ट का यूज़ कर सकते हैं, एंड ऑडियो लगा सकते हैं, आप वीडियो ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप ऑडियो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑडियो अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद अभी मेरे पास ऑडियो नहीं है, तो ऑडियो आप ऐड कर सकते हो इसके अंदर। एंड आप फिर से आप जाएंगे इंसर्ट में, इंसर्ट में वीडियो ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वीडियो ले लेता हूँ छोटा सा क्लिप को, तो आप कर सकते हो इसके अंदर। देखिए ये वीडियो भी आ गया हमारे पास, ठीक। एंड यहाँ पर आप बैक जाके ये वीडियो भी ऐड कर सकते हो, जो आपको आपको जो रिक्वायरमेंट है अपने हिसाब से आप कर सकते हो दोस्तों। एंड यहाँ पर चार्ट भी आप ले सकते हो, आपको चार्ट यूज करना है। ट्रांजेक्शन यहाँ पर दोस्तों आप इफेक्ट लगा सकते हो, देखिए मैं यहाँ पर एक इफेक्ट इस पर लगाऊँ, देखिए, है ना। ये देखिए फ्रेड, एंड ये देखिए, है ना। बहुत सारे हमारे पास इफेक्ट है पावर पॉइंट के, तो आप लगा सकते हो। तो मोबाइल से भी पावर पॉइंट आप पीपीटी फाइल को बना सकते हो। तो पीपीटी मोबाइल से कैसे हम तैयार करते हैं वो आपको हम सेपरेट वीडियो बना देंगे, तो आप बिना लैपटॉप कंप्यूटर के पीपीटी फाइल को बना सकते हो। तो अभी एडिट करना बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको डिज़ाइन मिल जाएंगे, डिज़ाइन आपको कैसे रखना है वो आप रख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि ये एक एडिट वाला वीडियो है, इसमें हम सभी फंक्शन को बताना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। यदि हम एक एक टूल को पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और यहाँ पर इस चीज़ को एक चीज़ को हमको बार बार को बताना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम आएगी। इससे हम आपको एडिट वाले फंक्शन बता रहे हैं, जिन्हें आप समझ के कभी भी ऐसी कोई पीपीटी फाइल आ जाती है आप उसको आसानी से एडिट करें। तो बेसिक टूल आपको एडिट के रहेंगे, आपको यहाँ पर आपके रहेंगे, यहाँ पर इंसर्ट रहेंगे आपके पास, ठीक है। नॉर्मली स्लाइडर रहेंगी, फाइल रहेंगी, फाइल से आप ओपन एक्सपोर्ट ओपन कर सकते हो, सेव कर सकते हो, एंड पिक्चर्स पे क्लिक करके आप पिक्चर्स को एडिट कर सकते हो, ठीक है। एंड दोस्तों सभी वर्क होने के बाद आपको सिंपल सा करना क्या है लास्ट में, एंड यहाँ पर डन है, आप डन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एंड डन पे जब तक आप क्लिक करेंगे, जो भी आपने एक्टिविटी की है मोबाइल के अंदर एडिट किया है वो नहीं होगा, ठीक है। तो मैं जैसे डन करता हूँ, ठीक है, एंड प्ले करूँगा तो ये पीपीटी ओपन होने लगी, देखिए ये वीडियो भी ओपन होने लगे। बता दूं, क्योंकि यहाँ पर पीपीटी और
पीपीटी जो भी फाइल होती है उनको बनाना लैपटॉप कंप्यूटर पे ही आसान होता है, लेकिन छोटे मोटे चेंजेस करना है तो आप मोबाइल से कर सकते हैं। तो मोबाइल से आपको बेसिक नॉलेज दे रहे थे, अगर आप मोबाइल से ही बनाना चाह रहे हैं पीपीटी तो आप पीपीटी तैयार कर सकते हो। तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो उस वीडियो को कंटिन्यू देखना, लेकिन अभी केवल हम पीपीटी को उसके लिए केवल एडिट करने के उद्देश्य से ही वीडियो बनाया है। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।